पारस इंस्टीट्यूट की छात्रा नेहा बंसल ने आईपीसीसी की परीक्षा में हिसार रीजन में टॉप किया है। ये जानकारी दी इंस्टीट्यूट के निदेशक सुरेंद्र शर्मा ने। उन्होंने बताया कि संस्थान में न केवल बच्चों को सिर्फ सिलेबस करवाया जाता है बल्कि विषयों की गंभीरता से जानकारी दी जाती है, जिससे विद्यार्थी सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहता। वहीं संस्थान की टॉप करने वाली छात्रा नेहा बंसल अपने रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित है। आईपीसीसी ग्रुप 2 की परीक्षा की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है नेहा बंसल। पीएलएम स्थित पारस इंस्टीट्यूट की छात्रा नेहा बंसल ने आईपीसीसी की परीक्षा में 80% अंक लेकर हिसार रीजन में पहला स्थान हासिल किया है। इंस्टीट्यूट का मानना है कि संस्थान ने ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसमें केवल सिलेबस पर ही नहीं बल्कि लगातार छात्रों के टेस्ट उन्हें अपने अपने विषयों में मजबूत बनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ जो सिस्टम डेवलप किया हुआ है वो एक रेगुलर है। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा वास्ट नज़र डाल के देखें तो क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट को सिलेबस करवा दिया जाता है और उसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि सिलेबस कवर करवा के और सिलेबस कवर करवाने के दौरान बच्चे का सिलेबस और वीकली टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक महीना हमारे यहाँ यूनिट टेस्ट सीरीज चलती है और यूनिट टेस्ट सीरीज चलने के बाद एक महीना फाइनल टेस्ट चलते हैं। उसके बाद बच्चा फाइनल एग्ज़ाम में जाता है। तो फाइनल एग्ज़ाम में जब वो जाता है तो उस टाइम उसने वो सारे क्वेश्चंस उस टाइप के सारे क्वेश्चंस अनसोल्ड सोल्व किए होते हैं, तो उसको वहाँ नयापन कुछ भी फील नहीं होता। ये एक मेजर फैक्टर है जो बाकी इंस्टीट्यूट से अपने को डिफर करता है। बहरहाल पारस इंस्टीट्यूट की छात्रा नेहा बंसल और पूजा आईपीसीसी के परिणामों को लेकर काफी उत्साहित है। उनका मानना है कि पारस इंस्टीट्यूट की तकनीक उनके लिए काफी काम आई है। अब उनका निशाना आईपीसीसी की परीक्षा ग्रुप 2 पर है। बींग अ प्लस टू स्टूडेंट अगर हम देखें, अगर पहले सी होती थी बीकॉम के बाद, लेकिन मैंने ज्वाइन किया प्लस टू के बाद, तो जो पहले प्लस टू लेवल के क्वेश्चन सोल्व करवाए, फिर बीकॉम के करवाए और फिर उसके बाद जो सीए लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए हमने, उसके बेस पे जो कॉन्फिडेंस आया उसी का ही रिजल्ट है जो आज मेरे ये मार्क्स आए। और पारस पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब जो एक सिस्टम है, पहले जैसे रेगुलरली स्टूडेंट्स को बुलाएं, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शन में रहें रेगुलरली, टेस्ट वगैरह जो सीरीज़ है उसको फॉलो करके, पूरे सिस्टम की वजह से ही ये रिज़ल्ट आज मतलब पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। मैंने यहाँ से आईपीसीसी ग्रुप 1 किया है और ग्रुप 2 किया है। अब मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ। तो यहाँ की जो मुझे मोटिवेशन जो मिला है, मेन मुझे लगता है कि वही इसका उसी का रिज़ल्ट है ये जो मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। और यहाँ पर मुझे सिर्फ हमें यहाँ सिर्फ सोल्व क्वेश्चन ही नहीं करवाए जाते बल्कि अनसोल्व क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, ताकि भी हमारा कि हमारा ध्यान ना जाए आंसर की तरफ। और अनसोल्व क्वेश्चन जितने अनसोल्व क्वेश्चन हम सोल्व करते जाते हैं उतना कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज होता जाता है और हमें यहाँ पे हमेशा मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि मैं इतने मार्क्स स्कोर कर पाई हूँ।